गुड मॉर्निंग माय पीपल्स। और पूजा वूजा करने के बाद एक्चुअली मॉर्निंग में ही आ गया था ये पार्सल, और काफ़ी ट्रेंडिंग मतलब वायरल चॉपर था ये, तो मुझे काफ़ी टाइम से मंगाना था क्योंकि मेरा चॉपर जो था पुराने वाला, लास्ट वीडियो में आपने जो देखा था मेरा वो चॉपर वाली वीडियो, वो मेरा चॉपर उसकी जो अंदर की रस्सी होती है ना मतलब वो टूट चुकी थी, तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैंने ये मंगाया था। इसका लॉक और अनलॉक का ये बटन है, आप इसको अनलॉक कर भी सकते हो, ये मतलब खुल जाता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, और मतलब उससे बेटर इसकी क्वालिटी है, ठीक है। बस ये था कि वो ख़राब हो गया था, काफ़ी अच्छा था। उसका बाउल मैं अभी भी यूज़ में लेती हूँ क्योंकि उसका सब कुछ सही है ऑब्वियसली, बस अब वही है नहीं जुड़ रही थी, तो रस्सी बीच में से टूट गई थी, नहीं तो उसको खोल खाल के ठीक हो जाता। और आज मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाया था पनीर चीला, और मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई कि पता नहीं कैसा बनेगा। नाश्ता वगैरह करके निकल गए थे तो मैंने कहा दोपहर में आना था उनको, तो इसीलिए मैंने दोपहर के लिए ना दाल चढ़ा दी थी, मैंने काली मिल का दाल बनाई थी, और राइस मेरे रात के थे तो मैंने कहा मतलब ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने आलू उबाले थे तो बाबू के लिए मैंने पनीर और आलू को फ्राई करके यश के लिए बना दिया था, तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे। तो हींग जीरे का बस आप नॉर्मल सा बच्चे के लिए ऐसे तड़का सा लगा के छोटे छोटे पीसेस में कट करके और इस तरीके से फ्राई करो खाली सॉल्ट वाले, और ज़्यादा से ज़्यादा आप काली मिर्च डाल सकते हो बहुत ही हल्की, तो बच्चे काफ़ी इंजॉय करके खाते हैं। और एंजल तो उसको रोल बना के रोटी के अंदर काफ़ी अच्छे से अगर मैं उसको देती हूँ तो बहुत मतलब इंजॉय करती है वो। और बस यहाँ मैं काम वाम में लग गई थी अपना, क्योंकि यह सो रहा था तो जितनी जल्दी हो सके मेरे को काम करना था अपना, पर फिर भी होता ही है। तो बर्तन वर्तन धोने में लगी हुई थी, काश रियल लाइफ में भी इतनी अच्छी स्पीड होती जितनी अच्छी हम एडिटिंग में कर देते हैं। सो बस कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और आज की व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं दोपहर से, मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था क्योंकि पार्सल आया था एक्चुअली, और काफ़ी ट्रेंडी मतलब चॉपर था वो, और मेरा चॉपर जो मैंने लास्ट टाइम जो मंगाया था वो टूट गया था एक्चुअली, टूटा गया था, रस्सी ज़्यादा खिंच गई थी उसकी, तो वो उसकी रस्सी अंदर से सब ठीक था पर रस्सी ज़्यादा खींचने की वजह से वो टूट गया रस्सी मतलब, और फिर मुझे काफ़ी टाइम दिक्कत रही, मतलब मैंने नहीं मंगाया चॉपर। फिर मुझे ये देख रही थी मैं काफ़ी टाइम पहले, उस टाइम पे भी देखा था मैंने ये, बट इसके रेट काफ़ी हाई थे, मतलब अंडर 200 या फिर 250 अंडर तो नहीं मिल रहा था, तो अभी मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में रिसीव हुआ ये। मतलब मैं यहाँ पे अपना लंच बना के लेकर आ गई हूँ, और एंजल है नीचे ही और उसने लंच कर लिया है, और यश सो रहा है, ठीक है, क्योंकि परेशान हो रहा था। और यश के भी मैंने पोटैटो बाइट्स बना के रख दिया है, अभी जब उठेगा तब वो खाएगा। बाकी मॉर्निंग तो उसने काफ़ी अच्छा नाश्ता कर लिया था क्योंकि मैंने मॉर्निंग में बनाया था पनीर चीला, और अभी फ़िलहाल मेरा लंच टाइम है तो लंच में मैं आज लेके बैठी हुई हूँ राइस और ये काली मिल का दाल और छाछ, ये घर की दही से बना हुआ है। नौ फिलहाल तो मैं अभी गलती कर बैठी हूँ क्योंकि रिमोट में हो गया, छोड़कर आ गई हूँ, मुझे दोबारा खा लेता हूँ। और ये है काला नमक, ये मैंने अंदर ही रख रखा है कि सैलेड वगैरह में डालना होता है। क्योंकि सैलेड वगैरह में डालना होता है ना, और दही वही में छाछ वाछ में तो यहीं से डाल देती ला कर। आइलैंड वाला चालू हो गया है और मैं शांति से खाना खा लूँ, टेबल नहीं कर सक रही हूँ, ऐसा मैं शांति से खाना खा लूँ, इसका आइलैंड वाला चालू हो गया है, ठीक है। तो मैं कर लेती हूँ अपना लंच, और इसके पापा गए हैं गाड़ी की सर्विस कराने के लिए तो वो आएंगे अभी, तो लंच वो तब करेंगे। फिलहाल मैं अपना लंच इंजॉय करती हूँ, और आप मेरा ब्लॉग इंजॉय कीजिए, आगे बने रहे मेरे ब्लॉग में।
और इवनिंग में मैंने बनाया था मतलब बच्चों के लिए पटैटो बाइट्स, ये जो मकैंस वाले पटैटो बाइट्स होते हैं ये वो थे, तो मैंने बच्चों के लिए फ्राई कर दिए थे, तो वो अंदर बैठे थे, मेरे को खाना नहीं बनाने दे रहे थे शाम का, तो मेरे को काम करना था, तो इसलिए बस बच्चों को देख के आ गई थी। तो देखो कैसे भागते हुए आ रहे, लड़ रहे थे ये आपसी में दोनों कैब के लिए, तो इन दोनों का तो चलो चलता ही रहता है। गरम है अभी, गरम है, सबर नहीं दोनों को हैं, बाबू है। अरे कुछ कार्डबोर्ड से मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था, बहुत टाइम हो गया, और इसको मैंने खुद से ही बनाया है, और ये मैंने मेरी गोल्डन नेल पेंट इस पे त्याग दी अपनी ही, तो बस वही मैंने अपना जो फ़ोटो था वो मैंने इसको डेकोरेट किया है। कैसा है? अच्छा, लड़ना नहीं, ठीक है, खिचड़ी बना रही हूँ फटाफट, फिर अंदर लेकर आ रही हूँ, जब तक ये खाओ। ओके, ठीक है, लड़ना नहीं, लड़ना नहीं है, बाय, मैं आती हूँ अभी, हैं। सो यशु ने फाइनली पापा बोलना सीख लिया है, वैसे उसने पहले मम्मा बोला था तो, पर उसने पापा बोलना भी अब सीख लिया है। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और पहली बार विज़िट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलना, और गाइस प्लीज़ शेयर कर दिया करो वीडियो को, और लाइक तो ज़रूर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।